वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 10 मई और 10 मई की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले इस तरह के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर परीक्षा में चाहे वो UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है। इसलिए आपके लिए इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो मिलती रहती है, तो आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए जिससे आपकी तैयारी को बल मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की 2018 की सूची में विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति रहा। देखिए फोर्ब्स एक प्रतिष्ठित अमेरिकन बिजनेस पत्रिका है, ठीक है, और इस पत्रिका के द्वारा कई रैंकिंग जारी होती रहती हैं। और पत्रिका फोर्ब्स जो है इसकी स्थापना सन 1917 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। तो इस पत्रिका के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर चीन की राष्ट्रपति सी जिनपिंग, ठीक है, चीन की राष्ट्रपति सी जिनपिंग का उसमें पहला स्थान रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जबकि इसमें दूसरा स्थान व्लादिमीर पुतिन का रहा है जो कि रूस की राष्ट्रपति हैं, और तीसरा स्थान आपका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। तो इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें स्थान पर रहे हैं, जिनका ऑप्शन नंबर ए में नाम लिखा हुआ है, ये 9वें स्थान पर रहे हैं। तो आपने समझ लिया होगा पहले स्थान पर सी जिनपिंग रहे हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की 2018 की सूची में विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का प्रथम स्थान रहा है। और अगर हम बात करें भारत के और कौन से व्यक्ति हैं जो इस सूची में रहे हैं, तो मुकेश अंबानी को 32वां स्थान भी मिला है। और एक अन्य व्यक्तियों में हम बात करें विश्व के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, उनको 13वां स्थान मिला है, जिनसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा। जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों में अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा काफ़ी कंपनियाँ होती हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट को हाल ही में किसने खरीदा है। तो इसका आंसर है आपका अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस कंपनी वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया है, और ये अधिग्रहण 16 अरब डॉलर से हुआ है, ठीक है, 16 अरब डॉलर में ये पूरा समझौता हुआ है और भारत की कंपनी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की कंपनी है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से और भी आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो अधिग्रहण है वो कुल 70% हिस्सेदारी का हुआ है, यानी कि जो बाकी का शेयर है वो अभी भी फ्लिपकार्ट के पास रहेगा, ठीक है। और फ्लिपकार्ट की बात करें तो भारत की कंपनी फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी, सन 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी और भारत के सचिन बंसल ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में इसके CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर में है। और बात करें अगर वॉलमार्ट की, जो अमेरिका की कंपनी जिसने फ्लिपकार्ट को खरीदा है, तो वॉलमार्ट कंपनी की स्थापना सन 1962 में हुई थी, ठीक, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी डग मैकमिलन के द्वारा, ठीक है। तो आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कंपनी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट कंपनी जो कि अमेरिका की है इसने खरीदा है, यानी कि इसका अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा प्रश्न है, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो ये आपका प्रश्न है, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री निकोल पंसियान बने, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री निकोल पंसियान, ठीक है, ये बने हैं। और ये स्पष्ट मैं आपसे कर दूं कि आर्मेनिया एक एशिया का पश्चिमी देश है, यानी कि एशिया के पश्चिमी भाग में ये है, और सन 1990 से पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा था, 90 में ये आपका स्वतंत्र हुआ था, 1990 में, तो इसके बाद ये स्वतंत्र हो गया। और इसकी जो राजधानी है वो है येरेवन, ठीक है, येरेवन इसकी राजधानी है। और आर्मेनिया देश की जो सीमा है वो तुर्की, जॉर्जिया और ईरान देशों से मिलती है। तो आर्मेनिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने अपने, उनकी जो संसद है वहां पर 59 वर्सेस 42 के अंतर से वो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं,
ठीक है, और वहाँ की जो पार्टी है वो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, इसके ये नेता रहे। ठीक है, तो आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आर्मेनिया के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निकोल पंसियान बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2019 में जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो यूएनओ के अनुसार 2019 में जलवायु शिखर सम्मेलन आपका न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है कि वर्ष 2019 में जलवायु शिखर का जो सम्मेलन है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन होगा। तो ये जो जलवायु शिखर सम्मेलन है वो पेरिस जलवायु समझौते के तहत आयोजित किया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका देश ने वर्ष 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग कर लिया था। ठीक है, तो अमेरिका इसमें 2017 में अलग हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2019 में जलवायु शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न चौथा था, ये आपका कंप्लीट हुआ। और मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये जो पूरी संस्था है वो यूएनओ गवर्न करती है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, कोस्टा रिका एक देश है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कैरिबियाई देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो कैरिबियन द्वीप समूह है वहां पर ये आपका देश है कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका के जो अगले राष्ट्रपति हैं वो बनेंगे कार्लोस अल्वाराडो। ठीक है, कार्लोस अल्वाराडो कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और उनके जो प्रतिद्वंद्वी थे वो थे फैब्रिकियो। ठीक, उन्होंने उनको हराया है। और ये इनकी जो उम्र है वो 39 वर्ष है। और अल्वाराडो देश, ठीक है, ये जो कोस्टा रिका देश है उस देश में अल्वाराडो सबसे युवा राष्ट्रपति बने, क्योंकि उनकी उम्र 39 साल है। ठीक है, तो कोस्टा रिका की राजधानी सैन जॉन है, ये आप ऑप्शन नंबर डी में मैंने लिख दिया है, हालांकि ये राजधानी का नाम है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्लोस अल्वाराडो ने हाल ही में शपथ ली है। तो पांचवा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवा प्रश्न है आपका, किस देश ने ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका देश ने, यानी कि यूएसए ने ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की है। तो इन्होंने 2015 से ही अलग होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब ये अस्तित्व में आ गया है। तो ईरान के साथ जो भी परमाणु समझौते चल रहे थे उनमें अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके कार्यकाल में ये समझौता हुआ था, और ट्रंप ने अपने कार्यकाल में इसको इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। तो अब जो है अमेरिका ईरान के साथ परमाणु ऐतिहासिक समझौते से अलग हो गया है। ठीक है, तो ये आपका छठवां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व महिला आर्थिक मंच, वर्ल्ड महिला आर्थिक मंच, तो इसने इसके अनुसार WEF 2018 पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व आर्थिक महिला मंच ने WEF 2018 जो पुरस्कार है वो निशा भल्ला को दिया है। ठीक है, निशा भल्ला को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये उनकी जो पुरस्कार है वो उनकी आध्यात्मिक सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और विश्व महिला आर्थिक मंच है ये दुनिया भर की महिला उद्यमियों और नेताओं की एक बहुत बड़ी संस्था है, और इनमें सभी क्षेत्रों में सफल महिलाओं की यहाँ पे पहचान की जाती है और उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो विश्व महिला आर्थिक मंच ने WEF 2018 पुरस्कार निशा भल्ला को दिया है और उनको सम्मानित किया है। तो सातवां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2018 में यानी कि इसी वर्ष विश्व रोबोट सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो जो रोबोट हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से जो रोबोट बने हैं उनकी जो कंपटीशन है, उनका जो सम्मेलन है, उसका आयोजन चीन देश करेगा। देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग में ये सम्मेलन होगा अगस्त 2018 में, और ये जो पूरा सम्मेलन है वो 15 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। तो इसमें 10 देशों के 12,000 से अधिक रोबोट इसमें भाग लेंगे, और ये जो सम्मेलन है वो रोबोट उद्योग में जुनून और नवाचार को बढ़ावा देगा और अनुसंधान और विकास में सहायता करेगा, क्योंकि रोबोट की कंपटीशन से रोबोट को और उच्चतर स्तर से बेहतर बनाने के लिए सभी देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वैसे भी अब आगे आने वाला जो युग है वो रोबोट का ही होगा। तो अगस्त 2018 में विश्व रोबोट सम्मेलन का आयोजन चीन के बीजिंग में आयोजित होगा। ठीक है, तो आपका आठवां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 100 यानी कि 100 वन स्टॉप सेंटर को कितने राज्यों में स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखिए वन स्टॉप जो सेंटर हैं वो कुल 100 खोले जाएंगे, ये कितने राज्यों में स्थापित होंगे ये आपसे पूछा गया है, तो इसका देखिए आंसर है कुल 9 राज्यों में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुल 9 राज्यों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे जिनकी संख्या आपकी 100 होगी। तो उन 9 राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य हैं जिनमें ये सेंटर खोले जाएंगे। और इनका जो उद्देश्य क्या है कि इन केंद्रों का जो लक्ष्य है वो हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए एकीकृत सेवाएँ जैसे पुलिस सहायता, सामाजिक परामर्श, चिकित्सा, कानूनी सहायता, ये सब चीज़ें एक ही स्थान पर अवेलेबल की जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं वहाँ पर ये सुविधाएं एक ही स्थान पर नहीं मिल पाती हैं, तो पुलिस, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, ये सब चीजें वन स्टॉप सेंटर में एक साथ मिल सकेंगी। तो ये देश भर में 100 खोले जाएंगे, 100 की संख्या में, और ये कुल अभी 9 राज्यों में खोले जाएंगे, ये आपका प्रयोग चल रहा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 100 वन स्टॉप सेंटरों को कुल 9 राज्यों में खोलने का निर्णय लिया है। तो 9वां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का है, हाल ही में रूस का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। देखिए अभी आपने ये भी न्यूज़ देखी होगी 2-4 दिन पहले कि रूस के नए राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन ने शपथ ली, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति का नहीं है, आज है रूस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। देखिए रूस देश है, वहां पर राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है, लेकिन फिर भी रूस में एक औपचारिक रूप से, ठीक है, फॉर्मेलिटी के रूप में वहां पर प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है, नाम मात्र का हम कह सकते हैं उसको। तो हाल ही में रूस का जो प्रधानमंत्री है वो दिमित्री मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिमित्री मेदवेदेव को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए रूस के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के रूप में व्लादिमीर पुतिन ने अभी अपना कार्यकाल संभाला है, तो उन्होंने ही दिमित्री मेदवेदेव की उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया था और उनको प्रधानमंत्री बनाने का ये पूरा प्रक्रिया हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका 10वां और अंतिम प्रश्न रहा जिसमें बताया गया आपको कि रूस का प्रधानमंत्री हाल ही में दिमित्री मेदवेदेव को बनाया गया, जो कि वहाँ का एक औपचारिक पद है, ठीक है। तो आपके 10 प्रश्न आज की वीडियो के 10 मई की करंट अफेयर के कंप्लीट हुए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही कवर किए जाते हैं। आपके प्रतिदिन के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के बन सकते हैं वही यहाँ पर कवर होते हैं, और इसीलिए कोशिश की जाती है कि गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी फुल क्वेश्चंस ही आपके सामने लाए जाएं, जो कि आगे आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ही हों। तो अब देखते हैं आपकी कल की क्विज का उत्तर। तो दोस्तों कल की क्विज में आपसे पूछा गया था वर्ष 2018 का मार्था फेरेल पुरस्कार किसने जीता, तो इसका आपका राइट आंसर है नादिया सफ़ी ने जीता। आप सभी ने सही उत्तर दिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं आपकी आज की क्विज का उत्तर, तो आज की क्विज का सवाल, तो आज की क्विज का सवाल है कौन से मुख्यमंत्री ने देश के सबसे लंबे समय तक की सेवा देने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना लिया है। देखिए ये जो प्रश्न है इसके 4 ऑप्शन है, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, पवन चामलिंग और ज्योति बसु। देखिए अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है और लगातार आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, करंट अफेयर की क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। ये क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि ये देखिए ना तो सरल क्वेश्चन है और ना ही कठिन क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप जानते होंगे, आपसे कमेंट अपेक्षित है, तो इसका कमेंट जरूर करिए इसका क्या आंसर होगा। और अंत में बस यही कहूँगी, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक पर। और अंत में बस ये भी कहना चाहूंगा कि वर्ष 2017-18 की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अभी हाल ही में एक वर्ष के दौरान लिखी गई हैं, उन पुस्तकों की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और एंड स्क्रीन में आपको देखो यहाँ पर एक वीडियो दिख रही है, उस पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है। तो मिलते हैं दोस्तों कल की करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।